नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं बन्ना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का जो रेसिपी है एकदम अलग भजिया की रेसिपी है, मतलब पकौड़ा कहीं बोला जाता है, कहीं पकौड़ी भी बोला जाता है, और भी नाम होंगे जगह जगह पे, तरह तरह के नाम से जाना जाता है। और ये कोई प्याज और आलू का पकौड़ा नहीं है, ये है उड़द के दाल का हम पकौड़ा बनाएंगे, वो भी अरबी के पत्ते में लपेट के। एकदम अलग होगा, उसमें अरबी के पत्ते का स्वाद आएगा और प्लस उड़द का तो आना ही आना है। इसमें एक ही चीज़ पे ध्यान देना, तलने में। बहुत बारीक चीज़ बता रही हूँ, अगर मैं फर्स्ट टाइम आप बना रहे हो ना तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी कचौड़ी, ये भजिया वगैरह, कोई भी चीज़ उड़द का अगर मैं आप बना रहे हो तो हमेशा याद रखना कि मध्यम आँच पे उसको सेकना, क्योंकि उड़द का दाल जल्दी पकता नहीं है। वहाँ पे गलती मत करना, टाइम लेके पकाएंगे ना तो रिज़ल्ट उतना ही बढ़िया आएगा, कच्चा होने का कोई संभावना ही नहीं होता है अगर मैं मीडियम लो फ्लेम पर अगर मैं आप पकाते हैं तो। इतना टेस्टी, बहुत कम मसाला है इसमें, इंग्रेडिएंट न के बराबर है, बस वही जो फ्राई करने का जो बता रही हूँ ना, बस वही ध्यान देना तो आप पास हो जाओगे फर्स्ट टाइम में, सीरियसली। चलो हम शुरू करते हैं बनाना। पकौड़ा बनाने से पहले हम बना लेंगे पहले चटनी, और इस पकौड़े के साथ ना टमाटर की चटनी सबसे बेस्ट लगता है। तो मैंने यहाँ पे दो बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया है, एक हैंडफुल हरा धनिया, और यहाँ पे 5 हरी मिर्च, एक छोटा सा कली मैंने लहसुन का ले लिया है, और 1 टीस्पून हम डाल देंगे इसमें नींबू का जूस, और स्वाद अनुसार नमक डाल के हम इसको बढ़िया बारीक पीस लेंगे मिक्सर जार में डाल के, चटनी हमारी रेडी हो जाएगी। अब हम लेंगे यहाँ पे अरबी का पत्ता, मैंने पहले से बढ़िया वॉश करके इसको बढ़िया किचन टॉवल से वाइप कर लिया है, क्योंकि हम पकौड़ा बनाएंगे, पानी इसमें नहीं होना चाहिए, नहीं तो तेल ऊपर आएगा, आप समझ ही सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लीन करके ले लिया है अरबी का पत्ता, और ये जो अरबी के पत्ते का काला ये डंठल दिख रहा है ना, ये अरबी का पत्ता जो है खाने में थोड़ा गले में खराश आता है, काटता है, तो ये आप देख के लेना, जिस अरबी के पत्ते का जो ये डंठल है काले कलर का होगा ना, वो काटेगा नहीं, उससे खराश नहीं आएगा गले में, और जो ग्रीन वाला होता है उससे खराश आता है। तो इसको इस तरह से हम काट करके निकाल लेंगे, पूरा मैंने ऑलरेडी पहले से ही कर रखा है। फिर यहाँ पे इसमें डालने के लिए हम ले लेंगे थोड़ा सा मसाला, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लिया है, आधा ये 2 कली बड़े साइज़ का लहसुन ले लिया है, 1/2 टीस्पून आधा चम्मच मैंने इसमें ले लिया है जीरा, और 5 हरी मिर्च, और 2 टेबलस्पून जितना मैंने ले लिया है हरा धनिया। अब इन सब मसालों को मैं, या तो आप पेस्ट डाल सकते हो बना के अलग से, या तो मैं इसको फूड प्रोसेसर में पीसने जा रही हूँ, उड़द के दाल के साथ ही हम इसको पीस लेंगे, लेकिन फूड प्रोसेसर में ये बारीक होगा नहीं, तो इसको हम ना जिससे चाय के लिए हम अदरक नहीं खूनते हैं खलबट्टे में, उसमें हम इसको थोड़ा सा कूट के फिर हम फूड प्रोसेसर में डालेंगे तो बढ़िया बारीक एकदम पिस जाएगा, तो वो हम अभी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कूट करके देखो रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है उड़द का दाल, बढ़िया 2-3 पानी से वॉश करके मैंने भिगा दिया था ओवरनाइट, 1 कप भर के मैंने लिया है, अब ये डबल हो जाता है फूल के, ये बढ़िया फूल गया, ये 4-5 घंटे में भी फूल जाता है। अब यहाँ पे ले लिया है मैंने फूड प्रोसेसर, क्योंकि पानी नहीं डालना है, और पानी जब नहीं डालेंगे तो वो फूड प्रोसेसर ही ऐसा होगा जो कि इसको पीस करके रेडी करेगा बिना पानी का, नहीं तो मिक्सर जार में पीसेंगे तो पानी डालना पड़ेगा। अब इसमें हम डाल दिए हैं जीरा, जीरा के बाद ये जो कूट के रखा था मसाला ये अब हम इसमें डाल देंगे, नमक हम अभी नहीं डालेंगे, जब बनाने लगेंगे तब हम नमक डालेंगे, पहले से ही नमक डाल देंगे तो गीला हो जाएगा। अब इसमें हम 1/3 चम्मच हींग डालेंगे, हींग इसमें बहुत ज़रूरी है पचाने के लिए, खाने के बाद इसको पचाना भी होगा ना, वो काम हींग करेगा। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटे चम्मच भर के हम अमचूर पाउडर डालेंगे, क्योंकि हम इसमें अरबी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अरबी के पत्ते का, वो गले में ज़रा सा भी अगर में कोई चांस हो खराश आने का तो ये डालेंगे, थोड़ा सा खट्टा डालेंगे ना तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे 1/3 चम्मच हमने डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर, अब इसमें हम 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, और इसमें 1/4 चम्मच हम डाल देंगे गरम मसाला। अब हम बंद करेंगे
फूड प्रोसेसर और पीसेंगे। एक भी ड्रॉप मैंने इसमें पानी नहीं डाला है। आप देखना कितना अच्छा हमारा ये पिट्ठी बनकर रेडी होगा बिना पानी का, देखना अभी आप। अब इसको ना हम खोल के थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि दाल थोड़ा ऊपर ऊपर रह गया है ना, इसको स्पून की सहायता से हम नीचे कर देंगे। अब इसमें पीसने का एक ये भी फ़ायदा हो जाता है, 2-3 मिनट तक हम ये फूड प्रोसेसर चला देते हैं ना, तो एकदम बढ़िया फिट जाता है, पिट्ठी जो है एकदम हल्का लाइट वेट हो जाता है, जो कि हाथ से हमें नहीं करना पड़ता है। वहाँ पर कितना आराम मिल जाता है सोचो। अब फिर इसको हम बंद करके बढ़िया पीस लेते हैं। हमारा पिट्ठी पीस करके रेडी हो गया है। उड़द की दाल को जब पीसते हैं ना तो उसको पिट्ठी बोलते हैं हमारे यहाँ। तो देखो कितना बढ़िया, कितना थिक सा ये दाल पीस करके रेडी हुआ है। ये एकदम बारीक नहीं पीसना होता है, जैसी इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए ना एकदम वैसा बना के ये निकालता है, थोड़ा दरदरा सा। देखो कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। ये हमारा दाल बनकर रेडी हो गया है, मतलब पीस के रेडी हो गया है। इसको दूसरे बर्तन में हम निकाल लेते हैं। बाउल में निकाल के हमने रख दिया है। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि अब हमें तुरंत बनाना है तो अंदाज के ही डालना नमक। नमक डाल के हमें इसको बढ़िया मिक्स कर लेना है। पिट्ठी रेडी हो गई है, अब हम चलो बनाना शुरू करते हैं। मैं बनाना कैसे है ये पकौड़ा, ये लिया अरबी का पत्ता, जो शाइनी वाला पार्ट है ना उसको हम नीचे करेंगे, थोड़ा सा रफ़ वाला पार्ट जो है ऊपर करेंगे, इसलिए कि रफ़ वाला पार्ट जो है इसमें हम ये पिट्ठी फैलाएंगे ना जब, तो बहुत अच्छे से चिपकेगा और शाइनी वाले पार्ट पर नहीं अच्छे से स्टिक होगा, इस चीज़ पर आप ध्यान देना। तो इसलिए हम इस तरफ फैलाएंगे अपना सारा पिट्ठी, एकदम बढ़िया सा लेयर लगाएंगे, थोड़ा सा थिक लगाना लेयर, ताकि बढ़िया टेस्ट ले पाओ, थोड़ा खाने में मज़ा आए। लेकिन कम भी कर सकते हो, आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चम्मच से तो होगा नहीं, हाथ से ही अच्छे से फैल पाएगा, तो हाथ से ही हम एकदम बढ़िया पूरे पत्ते पे एक लेयर बढ़िया फैला देंगे। इसको हमें फोल्ड देखो कैसे करना है, एक साइड से पकड़ा हमने, बीच में ला के इसको स्टिक कर देंगे और दूसरे साइड से ला के हम उसके ऊपर पहले वाले परत के ऊपर हम स्टिक कर देंगे। ये इजीली एकदम स्टिक हो जाता है, क्योंकि ये पिट्टी है एकदम ग्लू का काम करता है। ये जो दिख रहा है ना इसका टेंशन मत लेना, ये तेल में बिल्कुल भी फैलता नहीं है, ऊपर से इसका टेस्ट और बढ़िया आता है, सोना सोना। तो इस तरह से हमें इसको फैला लेना है चारों तरफ, देखो एकदम बंद हो गया है ना, थोड़ा इधर उधर खुला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हमें काटना है, काटने के लिए नाइफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े पीसेस में मैं काट करके इसको रेडी कर रही हूँ। ये देखो कितना इजीली कट जा रहा है ना, और इसको हमें किसी चीज़ में डिप करके सेकना नहीं है। जो उड़द का दाल दिख रहा है बस ऐसे ही सीखेगा, उसी का तो टेस्ट है, इसीलिए तो अलग है ये पकौड़ा। अब इसी तरह से हम सारा अपना काट करके रेडी कर लेंगे, एक साथ बना के उसके बाद हम फ्राई करेंगे। ये देखो पूरा पकौड़ा मैंने बना करके रेडी कर लिया है, रख दिया है यहाँ पर कढ़ाई, और मैं यहाँ पर ना इसको फ्राई करूँगी मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में। अगर मैं आप नहीं पसंद करते हैं तो आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। तेल में से देखो धुआं निकलने लगा है, फ्लेम को हम मीडियम लो पे कर देंगे। उड़द का कोई भी आप रेसिपी बनाते हैं हमेशा ये ध्यान रखना कि इसको आप मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करना, कोई भी, चाहे कचौड़ी हो चाहे कोई भी रेसिपी हो, मीडियम लो पे अगर मैं फ्राई करोगे ना इसको, तो कच्चा रहने का जो चांस रहता है वो नहीं रहता है। यहाँ पे देख सकते हो कितने स्लो फ्लेम पे ये पक रहा है, एकदम बॉईल खोल नहीं रहा है तेल, प्रॉपर टेम्परेचर है इसका। 2-3 मिनट हो गया इसको सेकते हुए, अब इसको हम पलट लेंगे, इसको हम एकदम कल्ले से पलटेंगे। ये मेरे नानी का शब्द है, ऐसे सब चीज़ें जब बनाती हूँ ना तो याद आ जाता है, नानी अम्मा सब याद आ जाती हैं। तो इसको हम कल्ले से पलट देंगे, देखो एकदम मध्यम आँच पे सिक रहा है ना, तो ये पत्ता जो है काला नहीं हुआ है और उड़द जो है एकदम बढ़िया कलर आ रहा है ना। तो इसी तरह से हमें सब पलट लेना है धीरे से, मतलब कल्ले मीन्स धीरे एकदम, क्योंकि तेल है छींटा आ सकता है ऊपर, इसलिए अब उलट पलट के ना इसको हमें एकदम बढ़िया गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। ये देखो कितना बढ़िया एकदम सिक रहा है, ये ऑलमोस्ट हो गया, थोड़ा सा कसर इसमें और बाकी है।
ये पकौड़ा बन करके रेडी हो गया है, देखो कितना। और देखो स्लो आंच पे सेकने से ना देखो पत्ते का कलर भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, जला नहीं है, मतलब कहने का मतलब इतना अच्छे से और इतना गोल्डन ब्राउन होने तक हमें सेकना है मध्यम आंच पे। इसको हम निकाल लेते हैं, निकाल करके ना हम अपना और दूसरा बैच जो है इसी तरह से सेक लेते हैं मध्यम आंच पे ही, एक एक डाल के। एकदम बढ़िया हमारा ये पकौड़ा बनकर रेडी हो गया है। चटनी जो बनाया है मैंने, इसको भी हम इसमें डाल देते हैं, तब इसका स्वाद बढ़ेगा ना। आप ऐसे भी खा सकते हो, बिना चटनी के ही खा सकते हो, लेकिन ये टमाटर की चटनी इसके साथ ना टेस्ट बढ़ा देता है, मैं ये बोलूँगी। ये देखो इस तरह से आप लोग भी एकदम ईजी क्विक पकौड़ा एकदम डिफरेंट टेस्ट का बना करके खा सकते हो। रोज़ रोज़ हम प्याज और आलू का ये सब तो खाते ही रहते हैं, लेकिन कभी उड़द का भी बना कर देखिए आप। एक बार बना लेंगे ना तो बार बार बना करके खाएंगे। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना अच्छा एकदम अंदर से कुक हुआ है, देखो कितना बढ़िया, कच्चा होने का कोई सवाल ही नहीं है इसमें। ये देखो इतने अच्छे से कलर चेंज हो गया है इसका, अब इसका मतलब ये है कि एकदम अंदर तक कुक हो गया है बढ़िया। अब ये चटनी डुबो इसमें और सीधा मुँह में गया। इसको खाने के लिए ना जो चटनी मैंने बनाया है ना, क्या करें आप, भजिया बना लिया, चटनी ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेना। अगर मैं खाना ना बनाना हो, आइडिया दे रही हूँ जस्ट इन केस, साइड में राइस बना लेना, भजिया खा लेना उस चटनी के साथ, प्लस पेट नहीं भरा हो तो साइड में राइस बना के जो रखे रहोगे चटनी डाल के वो राइस खा लेना, आपका लंच या डिनर ख़त्म हो जाएगा, कुछ और बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। वो चटनी इतना टेस्टी होता है, वो उस पकौड़ा के साथ भी अच्छा लगता है और राइस के साथ भी और अमेजिंग लगता है। रेसिपी लगी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, और नए होंगे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ, थैंक यू, बाय।